हवलदार आर के सिंह 216 मीडियम रेजिमेंट, केरॉक 56 एपीओ, यहाँ 216 मीडियम रेजिमेंट नासिक आर्टिलरी सेंटर के पास है जहाँ मैं पोस्टेड हूँ 216 मीडियम रेजिमेंट में। 17 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ 216 मीडियम रेजिमेंट में। मेरा बच्चे का सिलेक्शन सैनिक स्कूल और तथा मिलिट्री स्कूल दोनों में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा 16 तारीख को गया में मेरे बच्चे का मेडिकल था, तो उसमें वहाँ पर जब मेडिकल होने लगा तो मेरे बच्चे के कान के अंदर सुराख था, जिसके कारण उन्होंने मुझे मेरे बच्चे को अनफिट कर दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि 4 वीक में अगर आप फिट करा सकते हैं तो आप इसको अपील करके ये कर सकते हैं। मेरा मतलब उस समय मेरा संतुलन जो है कि मैंने इतने बच्चे को पढ़ाया और फिर हमारा बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो फिर हमने सोचा कि क्या करें क्या नहीं। तो हमारे एक कर्नल पंत साहब जो है उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यहाँ पर जो बॉम्बे में एक हमारे मित्र हैं उनके पास आप जाइए और वहाँ पर कराइए, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब है। तो मैंने साहब का नंबर निकाला और वहाँ पर निकालने के बाद साहब से बात किया, और बात करने के बाद साहब ने बोला कि ठीक है आप आइए, हम पहले कान देखते हैं फिर आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने साहब को बोला कि साहब मेरा लड़का मिलिट्री स्कूल में भी पास है, साहब 1 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, इतना मेहनत करके बच्चे को 30 सीट था जिसमें सिलेक्शन हुआ है, और उसको किसी तरह भी साहब हमको कान का ऑपरेशन करके बच्चे को पढ़ाना है, साहब वो भी मिलिट्री में जाना चाहता है साहब। फिर हम बच्चे को मेरी 25 तारीख को इंटरव्यू अजमेर में मिलिट्री स्कूल की थी, बच्चे ने 25 को इंटरव्यू कर दिया, और करने के बाद साहब को मैंने कॉल किया, साहब ऐसी सी बात है। फिर साहब ने बोला ठीक है आप आ जाइए, आते ही आपका काम होगा बोला। मैं बोला ठीक है साहब। मैं तो वहाँ से मैंने अजमेर से ट्रेन पकड़ा और सीधा मुंबई आया। मुंबई आते ही सुबह 6 बजे जब मैं उतरा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अंदर बुलाया गया 6 बजे, अंदर साहब आए 10 बजे, आते ही मेरे बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी में देखा गया, और देखकर साहब ने बोला ठीक है बच्चे को मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, निःशुल्क करूँगा, और बच्चा भी देश का सेवा करना चाहता है और आप भी देश के सेवा करना चाहते हैं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने साहब को बोला कि ठीक है साहब आप किसी भी हालत में मेरे बच्चे को फिट कर दीजिए, क्योंकि मेरा बच्चे को बहुत चाहत है डिफेंस में जाने के लिए, और इतने लाखों बच्चों में निकाला हुआ है बच्चा, ये दोबारा साहब निकालना नामुमकिन है, इसकी ये निकल जाएगी फिर दोबारा एग्जाम ये नहीं दे पाएगा साहब। फिर साहब ने बोला ठीक है, हम ब्लड टेस्ट जो भी था साहब ने कराया, और कराकर अगले दिन ही फर्स्ट प्रायोरिटी में सुबह मॉर्निंग 8:30 बजे ही आकर साहब ने मेरा बच्चे का ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और बच्चा मेरा अभी आज ही ऑपरेशन हुआ है, और आज ही बच्चा मेरा बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल बातचीत कर रहा है, और साहब ने 1 रुपया भी हमारे से नहीं लिया और फ्री निःशुल्क सेवा किया, और हमारे डिफेंस के लिए आर्मी एयरफोर्स ने भी साहब ने ये भी बोला कि हम आपके लिए हैं, हम आप लोग हमारे लिए हैं और हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, सो तो हम भी आपके सेवा करना चाहते हैं। तो साहब ने निःशुल्क हमारा सेवा किया, इसके लिए मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ। साहब को जय हिंद बोल रहा हूँ, साहब जय हिंद साहब।